हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बिल्कुल ढाबा स्टाइल सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। यकीन मानिए, ये सब्जी की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सोयाबीन को करीब 2 से 3 घंटे के लिए सोख कर दिया था। और आप देख सकते हैं, सोयाबीन अच्छे से सोख हो गया है, इसमें पानी भर गया अच्छे से। या फिर आप चाहे तो इसको गर्म पानी में 20 मिनट के लिए सोख कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सोयाबीन उठाते जाएंगे और इसके बाद हम इसका अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जितना मुट्ठी में आ जाए उतना सोयाबीन ले लीजिए और इसके बाद इसका हमें अच्छे से पानी निचोड़ लेना है। और सारे सोया चंक्स के साथ हमें सेम प्रोसेस करना है। और ये देखिए, मैंने इसका पानी निकाल लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर पैन गरम किया है, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है पैन में, और इसके बाद हम इसमें सोया चंक्स डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। या फिर इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहना है, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, सुनहरे रंग का हो गया है। तो इसको अभी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। सेम पैन को हम दोबारा से गर्म करेंगे और इसमें हम 2 चम्मच तेल और डाल देंगे। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये देखिए, मैंने इसे करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया और प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो इसे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सोया चंक्स हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के लगभग में दही। और दही यहाँ पर आपको फ्रेश इस्तेमाल करना है, खट्टी दही इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमक डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, आप चाहे तो स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। आप मिर्ची क्वान्टिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कितना तीखा पसंद करते हैं। 2 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया का पाउडर। 1 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट, आप चाहे तो अदरक और लहसुन दोनों मिलाकर ले सकते हैं। और इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम इसको ढक कर करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो जो हमने प्याज फ्राई किया था, वो प्याज हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसको ग्राइंड करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो ऐसे ही इजीली ग्राइंड हो जाएगा, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए, प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गर्म किया है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच के लगभग में तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4-5 लौंग डाल देंगे। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और इलायची को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आए। 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। और जैसे ही सूखे मसालों का कलर चेंज हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी लाल मिर्ची का पाउडर और 2 चुटकी हल्दी का पाउडर। ऐसा करने से ना ग्रेवी का कलर अच्छा आता है, इसलिए मैंने हल्दी और मिर्ची डाला है। और इसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखा था। फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखना है इस स्टेज पर, और इसको हमें पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हमें करीब 2 मिनट तक और पका लेना है। तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग में पानी डाल रही हूँ जार को धोकर, ताकि प्याज का सारा पेस्ट अच्छे से इस्तेमाल हो जाए। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इसमें से ऑयल रिलीज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया चंक्स जो हमने मैरिनेट करके रखा था। सोया चंक्स डालने के बाद इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से ऑयल ना रिलीज हो जाए। तो इसे हमें करीब 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको हम ढक देंगे और ढक्कन हटाकर बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। और ये देखिए, इसे मैंने करीब 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ऑयल भी रिलीज हो गया है।
मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से। सोयाबीन की सब्जी तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी आपको। तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप पानी डालें। तो मैंने अभी 1 कप इसमें पानी डाला, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी भी ये ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें पानी और डालूंगी। तो मैं इसमें 1 कप पानी और डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है, यानी कि 400 ml पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच के लगभग में काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इस तरीके से क्रश करके डालिएगा ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छे से इसमें आए। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ढक कर करीब 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो इसको हम ढक देते हैं और ढक्कन हटाकर बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि सब्जी जले नहीं, क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। और ये देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया का पत्ता और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सोयाबीन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सोयाबीन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।